हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं और इन लोगों ने मुझे बताया इसे सम ड्यून्स बोलते हैं, सैम ड्यून्स नहीं बोलते हैं, तो हम लोग सम ड्यून्स जा रहे हैं। दोनों रेसिस भाई बहन है, दो दिन से मेरा मजाक उड़ा रहे थे। दोनों दो दिन से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सैम नहीं होता, सैम सम होता है सम। और आज दो दिन से क्या, अभी तो उड़ा है थोड़ी देर पहले। नहीं मतलब दो दिन से मैं सैम बोल रहा था और तुमने मुझे करेक्ट भी नहीं किया। सम बोलते हैं, सैम नहीं बोलते। सबको पता है, दोनों भाई बहन। मैंने तो अभी आपको सैम बोलते हैं सुना थोड़ी देर पहले। अच्छा तूने वो ईयर रिंग्स लिए चांदी की? वो भी नहीं बोलना, उनका मन कर रहा मेरा। क्यों, क्या हो गया? वो तो अच्छे थे। पीयर 1300 हो गया है। पीयर प्रेशर में आके अंजलि ने कुछ ली, शॉपिंग की है वहाँ पे। 1300 में मैं इतनी सारी शॉपिंग करके आती। अभी बाय द वे हमारा प्लान ऐसा है कि वहाँ पे जाएंगे, हमने बुक करवाया है टेंट पूरा और उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और रॉयल जैसल, क्या नाम है, रॉयल कैंप है कुछ है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, मुझे भी याद नहीं रहता। तो वहाँ पे जाना है 3 बजे, हमारा वेलकम में आरती है, टीका करेंगे, फिर उसमें कैमल राइड इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट कल का, डिनर और लंच वो सब इंक्लूडेड। लंच नहीं है, डिनर और ब्रेकफास्ट है वो इंक्लूडेड, हाई टी है और कैमल राइड इंक्लूडेड। तो जितनी भी चीज़ें करेंगे हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, हम लोग सोच रहे हैं तो पैरासाइलिंग करेंगे या तो फिर डेजर्ट सफारी, तो देखते हैं क्या करते हैं। बट डेफिनेटली कोई एक चीज़ तो हम ट्राई करने वाले हैं। अभी यहाँ पे एंट्री पे 50 रुपीज़ लिए, सम में जब एंट्री करते हैं तब 50 रुपये लिए। कार के 50 है, बड़े व्हीकल है तो 100 और फिर 300 रुपीज़ ऐसे मैंने शॉर्ट ले लिया है, तो ठीक है। और चेंज आप यहाँ से ले सकते हैं, वो चेंज भी बांट रहे थे पता नहीं क्यों, 500-1000 रुपये के चेंज आपको चाहिए, क्योंकि अंदर आप अगर कोई डेजर्ट सफारी करें या फिर कुछ भी करें तो आपको चेंज की ज़रूरत पड़ेगी, अंदर कुछ है नहीं। तो देखते कैसा वेलकम करते। अभी मैं आपको देता हूँ हमारे टेंट का टेंट व्यू, जो रूम व्यू होता है ऐसा ही। दिस इज द एंट्री पॉइंट और यहाँ पे कुछ ऐसी बैठने की जगह है, चेयर लेके बैठ सकते हैं। उसके बाद अंदर कुछ ऐसा है, दो चेयर्स, मिरर, एसी नहीं है, ये फैन है, कूलर, कबर्ड, बेड। और यहाँ अंदर कुछ ऐसा बाथरूम है। सो ये टेंट है हमारा, क्या रॉयल सूट है, कौन सा है ये टेंट, कुछ पता है ये टेंट कौन सा है? ऐसा कुछ नहीं बताया था, ऐसा कुछ बताया नहीं भाई हमें, ठीक है। तो ये टेंट अवेलेबल है 3 लोगों के लिए 1 नाइट का। अब कितना खर्चा हुआ जरा अंजलि जी बताएंगी इसका? 4500 फॉर 3 पीपल फॉर 1 नाइट। और उसमें मैंने जो आपको बताया वो कि लंच और डिनर, नहीं लंच नहीं, ब्रेकफास्ट, डिनर और हाई टी और प्रोग्राम इंक्लूडेड है, कैमल राइड भी इंक्लूडेड है। और हमने जीप सफारी करवा ली है। जीप सफारी का कितना हुआ था? 750 पर पर्सन है जीप राइड का, तो भी अच्छा ही है। 3 लोगों की प्राइवेट होगी तो हमें वो 3 रेगिस्तान है वो घुमाएगा, 3 डेजर्ट। उसके बाद वो सनसेट पॉइंट लेके जाएगा, वहाँ पर हमारी जो कैमल राइड है वो कैमल राइड वहाँ से ही हो जाएगी। और वहाँ से रिटर्न आने के बाद हमारा वेलकम होगा, तब मिलते हैं आपको जब हम लोग डेजर्ट के लिए जाएंगे। 2 hours later सभी बज रहे हैं शाम 4 शाम के और हम लोग रेडी है अपनी डेजर्ट सफारी के लिए। हमने पर्सनल जीप लिया, सो हमारे 3 के लिए जीप होगी, वी आर वेरी मच एक्साइटेड। सो देखते हैं कैसा रहता है जीप सफारी का एक्सपीरियंस। आप बोल दो, क्या बोलना बताओ? जीप में बैठ रहे हैं अभी जीप सफारी के लिए। नहीं मैंने वो वहाँ बोल दिया इसीलिए हम लोग जीप में जा रहे हैं जीप सफारी के लिए। हाँ जीप सफारी के लिए जा रहे हैं अभी। ये 3 डेजर्ट की अभी सफारी रहेगी, तीनों डेजर्ट में ड्यून बेसिंग रहेगा, ड्यून बेसिंग करके फिर वहीं पर आपका कैमल लाइट हो जाएगा, कैमल लाइट करके
फिर सनसेट देख के फिर आराम से वापस आए। थोड़ा बोल देना ड्राइवर को अच्छे से करे, वीडियो बना रहे हैं आप। अरे भाई साहब का अच्छा सा वीडियो बना रहे, तो स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ। बोल दो और भी कपिल, चलो थोड़ा बोलो अच्छे से बनाए। हाँ वीडियो बना रहे भाई बस हमारी एक ही ख्वाहिश है, हम थोड़ी चला पाए मजा आएगा। अभी नहीं, जाते समय देखेंगे। अरे भाई बहुत मजा आ गया। ये व्यू आ रहा है, हम पहुंचे, पहला स्टॉप आया है, एकदम से झटका लगा गया है यहाँ पे। बहुत बहुत मस्त व्यू है और कैमल्स भी है। ये तो पहला पॉइंट है ना, अपने तीन पॉइंट यहाँ फोटो की ज्यादा मस्त आएगी। फोटो तो मस्त ही आएगी। बंदा कहाँ गया? उसने फोन किया है उसी नंबर पे कॉल कर, उसने तीन पॉइंट क्या करे? वो जो टैलेंट दिखाया था वहाँ पे, वो वही था, वही था, वो तीन पॉइंट्स थे। अभी फिर हाँ सनसेट के लिए जाएंगे हम लोग। अच्छा सनसेट इधर ही, कौन सा तीन पॉइंट थे? आप क्या कैमल कहाँ लेके जाओगे आप? कैमल वो 750 जो वो इसी का ही था सफारी का। चाय तो पी क्या मैगी तो बाद में खानी, मैगी है खानी है। हाँ मैगी, मैगी एक काम करते हैं कैमल राइड करके खा दे, ठीक है? बहुत ही मजा आ गया भाई, एकदम से एक झटका लगा ना। बहुत जब शुरुआत हुआ था तब तो बहुत ही भयंकर, कुछ रेडी नहीं थे एकदम से। तीन दिन बाद आज जैसलमेर में मजा आया। नहीं मैंने लास्ट टाइम जब मैं आया था ना 3-4 साल पहले ऑफिस से, तब मैंने ये किया था, तो मुझे पता था कि इसमें बहुत मजा आता है। मैं रेडी नहीं था बिल्कुल, मैंने पहले कभी नहीं किया। मुझे वो मिडास की याद आई थी, फट 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 करते जाते हैं ना मिडास वाले, तो मस्त होता है। नहीं मिडास, हम मिडास नहीं कहते, वो जीप सफारी लेके जाते हैं, वो तो कुछ नहीं था। मैंने इस भाई को बोला शायद रिटर्न में हम कार चलाए तो और मजा आएगा। हाँ रिटर्न में गाड़ी चलाने में पता नहीं, 750 दिए थोड़ा और तो पानी चला रहे मैं और आशु, मैं चलते चलते आऊंगा। डीजे चलाएंगे तो कैमल के साथ आना। जोर कैसा है कमर पे? सेंट में कुछ नहीं लगेगा, खून नहीं लगेगा, इसको दर्द हो जाएगा। नहीं नहीं मेरा सेंट है। बाप रे, ओए 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 ओए, लेकिन मैं पकड़ू किसको वो तो बताओ। हां भैया सेंट में क्या लगता है, लोग गिरते हैं तो सेंट में तो नहीं लगता होगा ना? बोल रही थी वो, नहीं लगता ना। लेकिन मैं पकड़ू किसको वो तो बताओ। अरे मुझे पकड़ने की जरूरत है, इसको पकड़ने की जरूरत है कि नहीं? टपक टपक टपक। अरे जी टपक, ओए ओए। अंजलि कैसा लगा दूसरी बार ऊंट पे बैठ के? मुझे ऊंट पे बैठना अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। तो ऊंट को तेरे पे बिठा दे, तू रेगिस्तान में लेके घूम ऊंट को। मुझे ऊंट पे बैठना सच्ची नहीं अच्छा लगता। आशो आशो ये ऊंट तुझे खा जाएगा ऐसा लग रहा है। अरे इसको इसको बोला ना, ये काट ले इसको।
आगे तो बहुत स्टीप आ रहा है मस्त सर, मेरे को नहीं आ रही। हां सर, कहीं नीचे जा। ये अपना ग्राउंड है रनिंग का। अच्छा जी, इसमें सर हम आपको सेपरेट सेपरेट बैठा के राइड होता है ना, हर एक लोग का पैकेज में 90% ये लोग रनिंग करके जाते हैं। ये मेन चीज फेमस है जी। कितना चार्ज है इसका? इसका सर 450 की है, 750 की, जो आपका दिल चाहे। देखो उसमें आपको फ्रंट में बिठाएंगे, बैक में हम भी बैठेंगे, सीट बेल्ट लगा के जो बाकी फैमिली है वीडियो सुन। जो स्पीड से दौड़ा है ऊंट, तीन बार मैं फिसल गया ऐसा ऐसा करके, और वो भैया ने मुझे पीछे से पकड़ा है। टोटली वर्थ है, थोड़ा बार्गेनिंग आप कर सकते हो यहाँ पे हो जाएगा, बट डेफिनेटली बहुत वर्थ है ये एक्सपीरियंस। कैसा लगा दौड़ते हुए? ऐसा लग रहा था जैसे वो राजा नहीं आते भागते ऊंट पे। आशु कैसा लगा तुझे आपको दौड़ते देख के? अरे भैया ऊंट दूर रह लो कुछ। अरे भैया आपके भैया ऊंट टकरा रहे हैं आपके ऊंट। अरे तो अजय देवगन हमारे पैर भी टकरा रहे हैं। अजय देवगन की तरह इसमें आ जाना। तो कैमल राइड भी ख़त्म होगी, अब बैठे हैं यहाँ पे मैगी खाने के लिए, फिर सनसेट देखेंगे, फिर एक और हमारा जो डेजर्ट है वो बाकी है, तो वहाँ पे भी जीप डेजर्ट बाकी है हमारा। तीन थे उसमें दो हमने किए अभी पॉइंट, तीसरा पॉइंट बाकी है, तो सनसेट से पहले शायद तीसरा पॉइंट करेंगे फिर आके सनसेट देखेंगे, ऐसा है प्रोग्राम। तो अभी यहाँ पर लाने से मैगी खा लिया, डेढ़ दो घंटे यहीं पे सनसेट देख के जाएंगे, फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वहाँ पे जाना है। अब दो तीन चीज़ें जो ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ आने के लिए, आपको क्या ध्यान में रखना है। एक, पानी की बॉटल अपने साथ रखिए। दूसरा कि ये गॉगल्स, डेफिनेटली आप कोई भी चश्मे पहन के आए, नंबर वाले हैं या फिर ऐसे गॉगल्स है कुछ भी, बट मस्ट है क्योंकि आँख में बहुत धूल जाएगी मिट्टी जाएगी, तो ये पहन के आइए। तीसरा शूज़ पहन के आइए, चप्पल में आपने इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, शूज़ पहन के आइए। तो ये तीन बातों का आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, और हो सके तो प्राइवेट ही कार लीजिए आपको, बहुत सारे लोग हैं तो बहुत मज़ा आएगा आपको प्राइवेट कार में। और यहाँ पे छोटा बच्चा मिला है हमें आईफोन से फोटोग्राफी करते हुए, बोल रहा है कि अगर आपको पसंद नहीं आई तो पैसे वापस कर देना। पैसा दिए तो नहीं है कुछ, पर फोटोग्राफी देखते कैसी, फोटोग्राफी देखते कितनी अच्छी करा, इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। अरे वो बच्चा तुझे डांट रहा है, थोड़ी ज्यादा रेती उड़ानी आती है तुझे? हाथ छोटे हैं। अरे मेरे हाथ कहाँ बड़े हैं? चलो बता। आराम से सोचो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमको। 1 2 3 स्टार्ट। अरे नाइस, हट मैं करता हूँ। दिखा 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 कैमरे में, दिखाइए देखो ऐसी रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अभी भैया का लेता हूं, बाद में देख लेना। ऐसी कुछ फोटो आई है अंजलि की, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया फोटो आई है, इसका एक बार लूंगा बाद में वीडियो बता। अरे भाई मेरी भी फोटो लेना, रुको जरा रुको जरा। अरे एक बंदे का शक्ल देख लो, जैसलमेर आ रहे हो तो इससे फोटो खींचा। अरे भाई तेरी शक्ल दिखा दे, इससे फोटो खींचाना। भगवान नाथ, भगवान नाथ, ये बच्चे से फोटो खींचा ना, बहुत अच्छी खींच रहा है। आशु की फोटो देखो भाई, जबरदस्त। अरे गाने गा रहा, बहुत ही ऑसम फोटो खींच रहा बंदा, ही इज गुड। हां मस्त है।
और पहुंच गए कैंप वापस। जिंदा जिंदा, बहुत मस्त, बहुत मस्त। भयंकर था, बहुत भयंकर था। थैंक यू भैया, मजा आ गया। थैंक यू भैया, बहुत मजा आया। अब हमारा वेलकम होने वाला है, देखते हैं वेलकम कैसा भयानक होता है। तो अभी नाइट में यहाँ पे स्टेज है वो सेट हो चुका है, तो नाइट में अभी फोक होगा, डांस होगा, तो मैं आपको वो वीडियो में दिखा दूंगा कैसा होता है। मे बी म्यूज़िक ना रखो ड्यू टू कॉपीराइट इशू, तो वो नाइट डांस है वो कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे अभी स्नैक्स है वो सर्व करेंगे चाय के साथ, तो वो लेंगे। और फिर उसके बाद डिनर है, तो डिनर में भी क्या है वो आपको दिखा दूंगा। तो अभी चलते हैं। स्टेज सेट हो चुका है, अभी कोई प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। दिखाता हूँ कैसे लोग बैठे हैं। सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, जो हाथ से फिसल जाए वो लम्हे दोबारा नहीं आते। ग्लास के जो टुकड़े हैं, ग्लास के टुकड़ों पर मिंगे मौड़ा किया जाएगा। ये थोड़ा बहुत ही मुश्किल है। सो गाइज, फाइनली आज का डे ख़त्म हो गया। हम लोगों ने डिनर कर लिया, डांस पार्टी, डीजे पार्टी थी वो कर लिया। आपने आशु और अंजलि का डांस देख ही लिया होगा। आपका डांस रह गया। मेरा डांस रह गया क्योंकि मैं वीडियो शूट करता हूं इसीलिए। सो अभी कल का प्लान ऐसा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जा रहे हैं लॉन्गे वाला, सुबह 9 बजे निकल जाएंगे यहाँ से ब्रेकफास्ट करके। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं कुलधारा, और कुलधारा जाने के बाद जैसलमेर में अंजलि को थोड़ी शॉपिंग करनी है, तो अगर टाइम बचेगा तो थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे और वहाँ से फिर डायरेक्ट चले जाएंगे गांधीनगर। सो कल का बहुत इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। दो अलग वीडियो आएंगे, कुलधारा का एक आएगा और एक वहाँ का आएगा लॉन्गे वाला का।
सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और वो बच्चे ने बहुत ही अच्छी फोटोज, बहुत ही अमेजिंग फोटोज खींची है, और हमने एक दो रील भी बनाई है। सो वो आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर देखने मिलेगी, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, और जहाँ पे फॉलो करो बिहाइंड द सीन्स है वो सब देखने को मिलेंगे, फोटोज वीडियो सब देखने को मिलेगा। सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सो गाइस दिस इज फॉर टुडेस वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आए देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट दो व्लॉग लाइव होने वाले हैं उसके आपसे सबसे पहले अपडेट मिले। विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय।